हाय दोस्तों, हमारी चैनल यूट्यूब उत्तम फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं आ रहा हूँ सुरेंद्रनगर जंक्शन पे और आपके ये बोर्ड भी दिखाऊंगा जो अद्भुत है। अब देखिए, जो समुद्र से उसकी ऊंचाई है वो करीब 70.090 मीटर ऊंची है, यानी कि सुरेंद्रनगर जो है वो 70 मीटर समुद्र के तल से ऊँचा है। इसका मतलब यही होता है क्योंकि कौन कौर भी यहाँ खड़ा हुआ है, देखिए आप। और यह साइड गैलरी है जो अद्भुत है और देखने जैसा है। काफी नए नए स्टेशन बन चुका है और नए नए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, लोग भी काम कर रहे हैं, आप देखते हैं। मैं उसको जूम करके आपको दिखाऊंगा। रेलवे से आप भारतीय रेलवे से कितना प्रेम करते हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये स्टैंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर जग रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का यहाँ काफ़ी काम हो जाए। ट्रेन की आवाज़ भी सुनाई देती है, आपको सुनाई देती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए यहाँ पर लाइट दिख रही है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 है ये, और ये नंबर 2 है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ झंडा फहरा रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 100 फुट की ऊंचाई पर यह झंडा लहरा रहा है। अभी कुछ टाइम के में ही उसने ये डाला है, अभी नए टाइम ही डाला है। अगर आप सुरेंद्रनगर के रहने वाले हो, गुजरात के किसी भी कोने में आप सुरेंद्रनगर से प्रेम करते हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। काफ़ी यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ ट्रेन भी आ चुकी है और ये खड़ी होकर रह रही है। यहाँ भी आप तार दिख रहे हैं जो इलेक्ट्रिफिकेशन तार है। काफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है सुरेंद्रनगर जंक्शन। सुरेंद्रनगर का ये व्यू आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना सुरेंद्रनगर से प्रेम करता हूँ, इतना लव करता हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ वो फील किया जाता है। वो ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 आपको यहाँ दिख रहा है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 और प्लेटफॉर्म नंबर लास्ट में 6 है, जो यहाँ पर मेंटेन का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। काफ़ी लोग भी यहाँ खड़े हुए बैठे हुए हैं या कुछ सेल्फी रहे, कुछ अच्छा अजीब कर रहे हैं। आप कैसा फील करते हो? ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि 2 और 3 प्लेटफॉर्म नंबर है ये। खिजी से आगे घूमता हुआ देख रहे हैं कि सुरेंद्रनगर पश्चिम रेलवे का ये सुंदर नज़ारा, वो जो सौराष्ट्र का प्रवेश द्वार जो सुरेंद्रनगर से कहा जाता है, और ये गुजरात में ये इसको झालावाड़ के नाम से जाना जाता है। सुरेंद्रनगर की सारी जो बातें हैं वो मैं आपको पैदल चल के ये सब बता रहा हूँ। इतनी दोस्तों मैंने मेहनत की है वीडियो बनाने के लिए, तो इसके लिए लाइक होता है और शेयर भी आपको करना आपका काम है। मैंने तो इतना बता दिया लेकिन ये जो मैंने कहा सब के सब आपको बताना है। यहाँ मौजूद हो रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ जो आपको सामने दिख रहा है वो इंजन जा रहा है, वो इंजन बदल रहा है। यहाँ से भावनगर के लिए आपको जाने के लिए रास्ता मिलता है, और यहाँ आगे से आपको जाकर जो कारखाना दिख रहा है, यहाँ से आगे आप जाते हो तो वहाँ से आप जो वढ़वाण में जाने के लिए आपको रास्ता मिलता है, और धांगद्रा जाने के लिए भी रास्ता मिलता है। वहाँ से भी ये इलेक्ट्रिक लाइन का काम शुरू हो चुका है। और ये सामने जो आप दिख रहे हैं, सामने के सामने वो सीधा अहमदाबाद की तरफ जाता है, और जो आगे जा के ट्रेन दिख रही है सब कुछ जा रहे हैं वो सिर्फ राजकोट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सौराष्ट्र की ओर जाता हुआ आपको दिखाई देता है। तो
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है होगी तो रिपीट मैं करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत इंडियन रेलवे के लिए एक बार तो बनता है कि जय हिंद आप कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।